आपको एग्जांपल के लिए कहता हूं, जैसे ही किसी को कोई आकर के बोले कि भाई ये पतंजलि की हल्दी प्योर है, कि ये पतंजलि की हल्दी प्योर है, तो पतंजलि की हल्दी के ऊपर देश का कोई भी व्यक्ति शंका नहीं करेगा। तो जब पतंजलि की हल्दी देश में सबसे प्योर और सबसे अच्छी क्वालिटी की है, तो फिर प्रॉब्लम किस में है? पतंजलि की हल्दी में प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम कैसे डील कर रहे हैं। हमारी लीडरशिप, हमारे डीलर्स जिसको हम डीबी कहते हैं, हमारे रिटेलर्स, पूरा ये जो चैन है इसको स्ट्रेंथन करके। और सबसे अंतिम चीज़ तो होती है साहब, किसी भी ब्रांड के लिए डीबी एंड डीएसएम, फिर उसके बाद रिटेलर एंड कंज्यूमर, ये चार चीज़ें अंतिम होती हैं, पूरा मैकेनिज्म सेल्स का। मैंने कोई सेल्स के अंदर एमबीए नहीं किया है, लेकिन जो काम आईआईएम, आईआईटी, ऑक्सफर्ड, हार्वर्ड, स्टैनफर्ड, कैम्ब्रिज आदि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने वालों ने नहीं किया, बल्कि अब पतंजलि की पढ़ाई दुनिया के इन इंस्टीट्यूशंस में करवाई जा रही है कि ब्रांड कैसे बनाया जाता है, ये पतंजलि से सीखो। तुम्हें कह रहा था ये हल्दी है, तो बोलो पतंजलि की हल्दी यदि किसी को मिलेगी तो कोई दूसरी कंपनी की खरीदेगा क्या? अरे खाली बस लेकर के जाने की जरूरत है, इसलिए सैंपल लेकर के जाएंगे। इसका छोटा पैक भी है, इसका बड़ा पैक भी है। अच्छा बताओ, लाल मिर्च के नाम पर लोग क्या क्या उल्टा पुल्टा मिलाते हैं। हमने इसका ऐड भी यही बनाया हुआ है कि मसालों के नाम पर कितना कितना ज़्यादा लोगों ने मिलावट। एडल्टेशन देश में सबसे बड़ा प्रश्न है। अब पतंजलि का लाल मिर्च जहाँ मिल जाता है, दूसरी मिर्चा कोई खरीदता ही नहीं है, क्योंकि इसका टेस्ट भी, इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा है और 100% प्योर है, कोई केमिकल नहीं, कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं, और कोई दूसरे बहुत तरह की बुरादी और फुरादी पता नहीं क्या क्या चीज़ें मिलाते हैं। यदि पतंजलि के, चाहे वो छोले मसाला है, चाहे वो गरम मसाला है, चाहे वो सब्जी मसाला है, कुछ धनिया है, जीरा है, कुछ भी है, पतंजलि के मसाले हों, पतंजलि के राइस हों, पतंजलि की पल्सेज हों, पतंजलि के प्रोडक्ट्स यदि किसी को मिलेंगे, लोगों के लिए अल्टीमेट प्रोडक्ट है। उसको आदमी एक्साइटमेंट में बोलता है, मुझे अंतिम चीज मिल गई, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पतंजलि ने केशकांति बनाया तो बोले अल्टीमेट है, बालों के लिए इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। आदमी यूज क्यों करता है किसी भी प्रोडक्ट को, उससे उसको बेनिफिट हो, उसका प्राइस अच्छा हो, उसका कोई नुकसान ना हो, कोई साइड इफेक्ट ना हो, और उसका फायदा देश को भी होता हो। ये तो एक ऐसा वैल्यू एडिशन है कि पतंजलि का 100% देश के लिए ही नहीं है, पतंजलि का 100% चैरिटी के लिए, हेल्थ के लिए, एजुकेशन है, भारत माता की सेवा के लिए, भारतवासियों की 125 करोड़ लोगों की सेवा के लिए, यह कोई नहीं दे सकता। विदेशी कंपनियों को प्रॉफिट होता है, हजारों नहीं लाखों करोड़ पे विदेश में लेकर के जाते हैं, और अपने देश के लोगों को प्रॉफिट होता है तो फिर हजारों करोड़ का अपने लिए कोई हवाई जहाज खरीदता है, कोई अपने बच्चों को सोने की गाड़ी खरीद के देता। सोने की गाड़ी, ये तो पहली बार सुनी हमने, सोने की गाड़ी कितने की? 5-5, 10-10, 20-20 करोड़ की। हीरे का मोबाइल 5-5, 10-10 करोड़ का स्पेशल बनते हैं इन बड़े बड़े अयाश लोगों के लिए। स्वामी रामदेव का तो 5,000 का भी नहीं है मोबाइल, गाड़ी जिसको भी मिल जाए उसमें बैठ करके आ जाते, बस स्वदेशी होनी चाहिए शर्त होती है। वो तो जिन मकानों में रहते हैं 5-5, 10-10 हजार करोड़ के, तो उनके बंगले बनते हैं, बाबा तो जमीन पर सोता है। और हिंदुस्तान में क्रांति महलों में रहने वाले लोगों ने नहीं, झोंपड़ियों में रहने वाले आचार्यों ने, मनीषियों ने, सन्यासियों ने हिंदुस्तान में क्रांति की है। तो मैं आपसे बात कर रहा था, ये खाली प्रोडक्ट की बात नहीं है, प्रोडक्ट लाइन तो मैं आपको पूरी की पूरी बताऊंगा कि पतंजलि का कोई भी चीज़ यदि किसी को मिलता है, चाहे वो सेवैया हो, चाहे वो नूडल हो, चाहे वो आटा हो, चाहे वो कुछ भी हो, तेल हो, घी हो, और चाहे जूसेज हो हमारे अलग अलग प्रकार के, चाहे वो पावर वीटा हो या कुछ भी हो, चाहे वो हेयर केयर है, स्किन केयर है, डेंटल केयर है, जितने भी साबुन शैम्पू से लेकर के हमारे अलग अलग प्रकार के बिस्किट हैं, नमकीन हैं, उसके अंदर जैम है, कैचअप है, अचार हैं, और वो सब हेल्दी। एक बात ये भी खास, अब पतंजलि का किसी को अचार मिलेगा, किसी ने पतंजलि का नींबू का अचार, पतंजलि का आंवले का अचार, और अभी तो बहुत ज़बरदस्त बनाया है, वैसे मैं कभी खाता नहीं हूँ लहसुन, लेकिन मैंने कहा भैया जो है ऐसे कोई लहसुन खाने से ऐसे धर्म भ्रष्ट तो हो नहीं जाएंगे, कोई मांसाहार तो है नहीं, तो हमने दवाई की तरह एक दिन टेस्ट करके देखा। फिर मेरे साथ उस दिन गेस्ट आए हुए थे साउथ अफ्रीका से, उनको मैंने खिलाया पतंजलि का जैसा लहसुन का अचार है,
वैसा तो हिंदुस्तान में शायद पहली बार ये रेसिपी पतंजलि ने डेवलप की है। किसी को जोड़ों का दर्द है और तमाम तरह की समस्याएं, क्योंकि लहसुन को पकाने से उसके गुण नष्ट हो जाते हैं, अचार में उसके गुण नष्ट नहीं होते। तो यदि किसी को लहसुन खाना भी है और उसका मसाला आदि मिलने से और भोजन के साथ जाने से पेट में जलन भी नहीं होती, अचार से लेकर के, पापड़ से लेकर के, ब्रेकफास्ट सीरियल से लेकर के, ये पूरी की पूरी, अच्छा सेल्स टीम को एक एक प्रोडक्ट लाइन ही नहीं, उस प्रोडक्ट लाइन के सारे एसक्यू, उनका एमआरपी और सारे कंपटीशन के अकॉर्डिंग उनमें क्या डिफरेंस है, सारा उनको दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि हमने तो अपने हाथों से ये सब प्रोडक्ट बनाए, इसलिए मेरे दिमाग में तो सारा कुछ है। अरे ये तो बहुत थोड़ा सा है, तो 1000 का भी मामला नहीं है। मैंने तो जब अष्टाध्यायी पढ़ी थी तो और वेद शास्त्र पढ़े थे, उस समय 10,000 सूत्र याद किए थे, तो आपको कम से कम 1000 नहीं, अपने 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 वर्टिकल के 100 प्रोडक्ट तो याद कर लेना, कोई इसमें कोई चूकना नहीं, इतना तो आपको सबको होना ही चाहिए। ये क्या छोटी सी बात होती है, इसी में कुछ ऊपर नीचे हो जाते हैं। जैसे 100 भी बारिश, एक भेड़ चराने वाला भी 500 भेड़ों का पता होता, मेरी भेड़ कौन सी है, इसमें जिसको आप कहते थे भेड़ चराने वाला, ये तो वो है गडरिया है। जब गडरिया भी अपनी 500,000 भेड़ों को पहचानता है तो आपके तो आप तो बड़े पढ़े लिखे हो। आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है, एक बार हाथ उठाना, क्या बात है, जोरदार ताली बजाओ अपने लिए। आप ही मैक्सिमम बच्चे हैं जो ग्रेजुएट किए हुए हैं, जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया वो हाथ उठाओ, इनके लिए भी जोरदार ताली बजाओ। मुझे लगता है यहाँ तो 80% पहुंच गया, पहले 60% था यह आंकड़ा, मैं पिछले प्रांतों से होकर के आ रहा हूं। और जिन्होंने MBA BCOM आदि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो स्टडी की हुई है वो हाथ उठाओ, क्या बात है भाई, अब तक का सर्वश्रेष्ठ यहां पर मैं देख रहा हूं एजुकेशन आप लोगों का, जोरदार ताली आपके लिए, अभिनंदन है आपका। तो ये तो करीब 80-90% लोग ऐसे हैं जो हाईली एजुकेटेड है। तो आपके लिए क्या है छोटी छोटी बातें कि ये पर्सनल केयर के प्रोडक्ट हैं, ये होम केयर के प्रोडक्ट हैं, ये आज सब पूजा सामग्री, इसमें भी देश की किसी भी कंपनी के पास जितने प्रोडक्ट हैं उससे ज़्यादा अच्छे। और जैसे कपूर, अब कपूर में जो केमिकल वाला कपूर है वो 50 रुपये का होता है, हमारा वाला जो कपूर है ये 500 रुपये का है, इतना अंतर है केमिकल वाले में और नेचुरल वाले में। फिर उनकी अगरबत्तियों से लेकर के उनकी वो जो धूप करते हैं, धूप में लोग क्या क्या गंदगी डालते हैं, हवन सागरी में लोग क्या क्या गंदगी डालते हैं, अलग अलग प्रकार के सारे प्रोडक्ट्स, इसको एक एक प्रोडक्ट के बारे में मैं आगे अभी और डिटेल से बताने वाला हूँ। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हम लोगों को अब बड़े स्तर पर ये काम करके दिखाना है। पहली बात तो यह है कि एक आम आदमी भी जब पतंजलि के मेगा स्टोर में आता है तब जाकर के उसको पता लगता है पतंजलि का ये प्रोडक्ट का संसार है। और खाली हम सामान ही नहीं बनाते, इससे भी बड़ा काम हम अच्छा इंसान बनाने का करते हैं। समग्र अर्थों में पतंजलि को जानना तो सब लोगों के लिए एक साथ संभव भी नहीं है, क्योंकि लोगों की समझने की ताकत पता नहीं क्यों थोड़ी कमज़ोर पड़ गई है। पहले तो कोई लिखत पढ़त होती नहीं थी, आजकल किसी जो सुनते थे बस वही श्रुति परंपरा से, हमारी ऐसे हमारी भारत की परंपरा को श्रुति परंपरा कहते, सुनने से सब कुछ याद हो जाता था। पतंजलि की सेवाएं, पतंजलि के सामान और पतंजलि का जो पूरा काम है, इसके बारे में आपको इतना तो होना चाहिए कि जब कोई पतंजलि के बारे में बात करे, पतंजलि की सेवाओं की बात करे, पतंजलि के सामान की बात करे, पतंजलि की कीमत की बात करे, पतंजलि के मार्जिन की बात करे, पतंजलि के कंट्रीब्यूशन की बात करे, जिस भी बारे में बात करे, तो एक बात पूछने पर आपको 10 तरह के जवाब देने आने चाहिए, इतनी काबिलियत मैं आपके भीतर देखना चाहता हूँ एक शब्द में, ऐसी योग्यता आपको अपने भीतर अर्जित करनी। सर्वप्रथम परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में वंदन। भारत स्वाभिमान और अभ्युदय के मेरे सभी भाइयों बहनों को मेरे तरफ से अभिनंदन। आज आप सब लोगों के लिए बहुत गौरव का दिवस है। गौरव का दिवस इसलिए है क्योंकि आज आपने प्रत्यक्ष रूप से परम पूज्य परम वंदनीय स्वामी जी महाराज का दर्शन करने का जो आपको अवसर प्रदान हुआ है, जो लाभ प्रदान हुआ है, वो आप अपनी पूरी जिंदगी भर नहीं भूल सकते। दूसरा, आज आपके लिए गौरव का दिवस इसलिए भी है क्योंकि भारतवर्ष में
बहुत सी कंपनियां हैं जो काम करती है, लेकिन सिर्फ एक ही कंपनी है जिसका नाम है पतंजलि, जो अर्थ से परामर्श के लिए काम करती है, जो लोगों के सेवाओं के लिए काम करती है, जिसका 100% लाभ जो है वो लोगों की सेवा के लिए है, आप सब 130 करोड़ देशवासियों की सेवाओं के लिए है। ऐसी कंपनी में आपको अपना सेवादान देने का जो अवसर प्रदान हुआ है, उसके लिए आज आपका सबसे बड़ा दिन है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश मेरी कर्म भूमि रही है, माँ अहिल्या की नगरी मेरी कर्म भूमि रही है इंदौर, और वहाँ पर मैंने आज से 20 वर्ष पूर्व अपना करियर की शुरुआत DSM के रूप में करी थी। इसी तरीके से करी थी जिस तरीके से आज आप सब जो नियुक्त होने जा रहे हैं, उसी तरीके से मैंने भी अपने करियर की शुरुआत एक DSM की तरीके से करी थी। और DSM के रूप में मुझे मध्य प्रदेश इंदौर भोपाल उज्जैन के मार्केट में बहुत कुछ सीखने को मिला और मेरा जीवन आप ही की भूमि से आगे गया, जो मेरी भी भूमि है। सो इन 20 वर्षों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो मैंने सीखी है, वो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। मैं आपको आज एक सफलता का मंत्र दे रहा हूँ, और वो जो सफलता का मंत्र है, अगर आपने आत्मसात किया तो आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। उस मंत्र का नाम है 3D। तो ये जो 3D है, इसमें पहला D है डिटर्मिनेशन। तो डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ता। जो दूसरा D है वो है डेडिकेशन। डेडिकेशन का मतलब होता है निष्ठा। और जो तीसरा D है वो है डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन। आप किसी भी महापुरुष की जीवनी देख लीजिए, किसी भी महापुरुष की जीवनी पढ़ लीजिए, और हमारे समक्ष परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज भी इस मंच पर उपस्थित हैं, आप उनकी जीवनी भी पढ़ लीजिए, आपको ये 3 चीज सबसे ज्यादा मिलेगी, दृढ़ता, निष्ठा और अनुशासन। बिना दृढ़ता, बिना निष्ठा और बिना अनुशासन हम सफल हो ही नहीं सकते। सो मैं आप सब लोगों को ये मंत्र इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप में से 90% लोग अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं, और मैं चाहूंगा कि आप इस मंत्र को आत्मसात करें। आप जिस भी कार्य करने को जा रहे हैं उस कार्य में आप अपनी दृढ़ता को रखें कि मैं कार्य कर लूंगा। यू शुड बी डिटरमाइंड इन योर हार्ट एंड सोल कि ये जो टारगेट है, ये जो कार्य है, या ये जो मैंने सोचा है, ये मैं कर लूंगा। सबसे पहले आपको अपने अंदर डिटरमाइन करना है। दूसरा, जब हमने डिटरमाइन कर लिया कि मैं ये कर लूंगा, तो उसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो आपको ये है कि उसके अंदर आपको अपने आप को झोंकना है, डेडिकेट करना है। फिर आपको सुबह शाम दिन रात नहीं दिखना चाहिए, भूख प्यास नहीं लगना चाहिए, आपको उस काम के लिए डेडिकेटेड होकर के कार्य करना है। और
डेडिकेशन के साथ में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, डेडिकेशन फ्लेक्सी आवर्स में नहीं हो सकता, डेडिकेशन जो है और दृढ़ता जो है इन दोनों के साथ में अनुशासन बहुत ही ज़रूरी है। कोई व्यक्ति सोचे मैं 12 बजे ही काम करना चालू करूँगा, ऐसा नहीं हो सकता। अगर कार्य की डिमांड है कि उसको सुबह 9 बजे ही शुरू करना है तो आपको डिसिप्लिन में रह के उसे 9 बजे ही शुरू करना पड़ेगा। हम फ्लेक्सी आवर्स में काम करके सफलता को नहीं पा सकते। सो तीन शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे आप सब लोगों के जीवन में, और यही तीन शब्द से आप सफलता की सीढ़ी चढ़ेंगे। आगे मैं आपसे आपके विषय में एक बात लाना चाहता हूं कि हमें इतने सारे DSMs की क्यों जरूरत है। आप अगर आज इधर उपस्थित हो, आप आने वाले समय में इस कंपनी का हिस्सा होने वाले हो, तो हमें इतने सारे युवाओं की क्यों जरूरत है, कभी सोचा है आपने? इस सेवा के कार्य में हमें जो युवा शक्ति की जरूरत है, वो युवा शक्ति अगर ये सोच ले कि जो मुझे टेरिटरी दी गई है मैं वहां से विदेशी कंपनियों की जड़ों को उखाड़ के फेंक दूंगा और मैं अपनी कंपनी पतंजलि को मेरी टेरिटरी की नंबर वन कंपनी बनाऊंगा, तो इस देश के अंदर पतंजलि एक साल में सबसे बड़ी कंपनी बनकर FMCG की नहीं इस देश की बल्कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी कंपनी बनकर उभरेगी। ये हमारे देश के युवा की शक्ति है। सो इसी के साथ मैं आप सब लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत अभिनंदन देता हूँ कि, और मैं आशा करता हूँ कि मध्य प्रदेश के नियुक्त हुए DSM पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ DSM बन के उभरेंगे, ऐसी मेरी आप लोगों से आशा है। और मेरी आप लोगों से ये आशा है कि आप अपने अपने टेरिटरी में हमारा जो स्वदेशी अभियान है, जो पतंजलि है, उस कंपनी को, अपनी कंपनी को नंबर वन कंपनी बनाएंगे। और अगर आप सब अपनी अपने अपने टेरिटरी में पतंजलि को नंबर वन कंपनी बनाएंगे तो मध्य प्रदेश में पतंजलि नंबर वन कंपनी बन के उभरेगी, इस महीने उससे कोई नहीं रोक सकता। और महाराष्ट्र हमेशा बोलते हैं ये जो मंत्र है जो महाराष्ट्र ने मुझे दिया और मैं आज आप सब लोगों को दे रहा हूं, इसे भी आप लिख लीजिए कि विकल्प रहित संकल्प, और आप मेरे साथ सब बोलिए विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। इसके साथ हमें जीना है। विकल्प रहित संकल्प है हमारा कि हमें इस स्वदेशी के अभियान में हमारे भारतवर्ष को आर्थिक आज़ादी दिलाना है और पतंजलि को इस देश की सर्वश्रेष्ठ कंपनी, सबसे ज़्यादा बड़ी कंपनी बनाना है। इस संकल्प के साथ में मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आदरणीय भाई धीनल ब्रह्म भट्ट जी। आप राष्ट्रीय स्तर पर नॉन फूड का नेतृत्व कर रहे हैं और अभी श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के वो सफलता के मूल मंत्र वो बोल रहे थे, विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। ये दो मूल मंत्र हैं, यदि इनको हमने अपने जीवन में धारण कर लिया, आपको जो लक्ष्य मिला है फिर वो विकल्प रहित संकल्प होना चाहिए। उस लक्ष्य को अपने को 100% पालन करना है। मैं पिछले दिनों गुजरात में मेरा जाना हुआ, हमारे गुजरात के JDM आदि भाई दवे जी, अब भाई आकाश जी बैठे हैं, विपिन जी बैठे हैं, उनके सामने देखा कि जो भाई जिनकी केवल मात्र 4-5 दिन पहले ट्रेनिंग हुई थी वो मार्केट में जाने लग गए थे। अब वो मार्केट में 25,000 से 40,000 रुपए का कैश ऑर्डर लेकर आ रहे थे। इतनी बड़ी ताकत आप में है, प्रतिदिन एक व्यक्ति 25,000 से 40,000 कैश में जाकर ऑर्डर लेकर आ रहा है, वो भी नया, बिल्कुल अभी नया फ्रेश। अर्थात जो लक्ष्य मिलता है उस लक्ष्य को विकल्प रहित संकल्प के साथ तैयार करना और अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करना,
क्योंकि यह किसी कंपनी के आगे बढ़ने की गाथा नहीं है साहब, ये भारत के आगे बढ़ने की, भारत के नवनिर्माण की गाथा है। ये पूरा आयोजन जो यहाँ पर आप सब लोग बैठे हैं, आप में तीन चीज़ें मुझे दिखाई देती हैं श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, वो तीन वस्तुएं आपके समक्ष आप स्वयं उसका अनुभव करेंगे कि हमारे प्रत्येक DSM जो यहाँ पर उपस्थित हैं वह राष्ट्रभक्त हैं, हाँ या ना? हमारे सभी DSM वह गुरु भक्त हैं। और तीसरी बड़ी बात कि वह सभी स्वदेशी भक्त हैं। ये जो बड़ी संकल्पना है स्वदेशी राष्ट्र निर्माण की, भारत आजाद हो गया, राजनीतिक रूप से आजाद हुआ, परंतु आर्थिक गुलामी से आज भी जकड़ा हुआ है। एक कंपनी आई थी भारत को लगभग 200 वर्ष तक गुलाम करके रख दिया, उस कंपनी का क्या नाम था? सबको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमें लगभग 200 वर्ष तक गुलाम बनाया। आज मल्टीनेशनल कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, नाम होगा हिंदुस्तान यूनिलीवर, परंतु भारत को लूटने का काम सबसे अधिक यदि किसी को करना है तो वो कंपनियां कर रही हैं। किसान नाम से कैचअप बनाएंगी, परंतु किसान का शोषण उनका मूल धर्म है। मैं केवल मात्र बातों को कहने के लिए अपनी बात नहीं कह रहा हूं, उसका एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने देता हूं और आप उसको समझ जाएंगे कि भारत में किसानों का यदि कोई शोषण कर रहा है तो मूल रूप से बहुराष्ट्रीय कंपनियां कर रही हैं। आज पतंजलि किसानों के जीवन में समृद्धि का मूल मंत्र लेकर आया है। पतंजलि मायने किसानों की समृद्धि, पतंजलि मायने राष्ट्र की समृद्धि, पतंजलि मायने जन जन की समृद्धि। मैं पिछले दिनों हवाई यात्रा करने का अवसर मिला, उस हवाई यात्रा में एक प्रिंगल नाम से एक आलू के चिप्स आते हैं, जब मैंने उसे खरीदा तो 100 रुपये के आलू के चिप्स थे। मैंने जान के पूरी योजना के साथ उसका बिल भी लिया। आजकल कार्ड पर 20% की छूट मिलती है, एयर आदि आप फ्लाई भी कर रहे हैं उसके अंदर भी छूट मिलती है। 100 रुपये के वो आलू के चिप्स, उनका वजन जब देखा तो उसका वजन था मात्र 42 ग्राम। कितना? 42 ग्राम। यदि 42 ग्राम के आलू के चिप्स 100 रुपये के हैं तो 1 किलो आलू के चिप्स कितने के हुए? मोटे तौर पर आप लगाएंगे तो 2400-2500 रुपये के आलू के चिप्स, 1 किलो आलू के चिप्स कितने रुपए के? बोलो कितने रुपए के? 2400-2500 रुपये किलो। और उस आलू के चिप्स को किसानों से कितने रुपए में खरीदा गया? 2 रुपए में, 5 रुपए में। हजारों गुना मुनाफा कमाकर वो कंपनियां भारत को लूटने का काम कर रही हैं। आलू भारत का, किसान भारत के, और पैसा कहां जा रहा है? विदेश जा रहा है। उस लूट को रोकने का काम पतंजलि करने वाली है, आप उसके योद्धा बनने वाले हैं, इसलिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। भारत के नवनिर्माण की इस कल्पना में जिन शहीदों ने अपने जीवन की आहुतियां दी, आपको तो केवल मात्र उस आर्थिक आजादी के आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने का काम करना है। दोस्तों मित्रों, ऐसे योद्धा हुए हैं भारत में जिन्होंने स्वदेशी आंदोलन के लिए अपने जीवन की आहुतियां दी हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। यह पंक्तियां बोलने वाला, ये पंक्तियों का उच्चारण करने वाला व्यक्ति था रामप्रसाद बिस्मिल, पंडित रामप्रसाद बिस्मिल, जिसने ये गीत गाया जो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज इस गीत को बार बार बोला करते हैं। मेरा हो तन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी होवे मेरा कफन स्वदेशी। इस प्रकार की भावना रखने वाले श्रद्धेय स्वामी जी महाराज आज उन शहीदों की भावनाओं को, उनके सपनों को पूरा करने का कोई एक व्यक्ति काम कर रहा है पूरे भारत में, पूरे विश्व में, तो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कर रहे हैं। इस बात का गौरव है हमें। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, इस भावना को लेकर जीवन जीने वाले पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, उन्होंने, उनको मृत्युदंड किसी और कारण से नहीं मिला,
उनको मृत्युदंड मिला काकोरी कांड करने के कारण। काकोरी एक रेलवे स्टेशन का नाम है, वाराणसी और कानपुर के बीच में रेलवे स्टेशन आता है, उसका नाम है काकोरी। आप सबने सुना होगा काकोरी कांड करने के कारण रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा हुई, उनके साथ लगभग 9 लोगों को फांसी की सजा हुई। उन्होंने क्या ऐसा कर दिया था कि उनको फांसी की सजा हुई? भारत का लूटा हुआ खजाना एक ट्रेन के माध्यम से विदेश जा रहा था। उन्होंने आगे बढ़कर एक योजना बनाई कि भारत के पैसे को विदेश नहीं जाने देना, भारत का ये पैसा अंग्रेज अपने यहां लेकर जाते हैं, वहां गोली बारूद बम टैंक बनाकर लाते हैं और भारत को गुलाम बनाते हैं, भारत के इस पैसे को भारत में रोकना है। उन्होंने लूटने की योजना बनाई और उस पैसे को स्वतंत्रता आंदोलन में इस्तेमाल करने की योजना बनाकर उन्होंने उस ट्रेन को लूटा। परंतु मुखबिर होते थे, बहुत से लोग यदि राष्ट्रभक्त होते हैं तो एक या दो गद्दार भी होते हैं बीच में। राष्ट्रभक्तों की उस जमात में एक दो गद्दार थे, उन्होंने सूचना दे दी अंग्रेजों के तंत्र को और ट्रेन लूटने के बाद रामप्रसाद बिस्मिल और उसके साथी पकड़े गए। रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई, उनके साथ 8-9 और लोगों को फांसी हुई, अशफाकुल्ला खां को फांसी हुई, उस मुस्लिम भाई को फांसी हुई जिसने स्वदेशी के लिए इस आंदोलन में, राष्ट्र के स्वतंत्रता के आंदोलन में अपने जीवन की आहुति दी। एक बड़ा उदाहरण है रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां, स्वदेशी के इस आंदोलन में हिंदू और मुस्लिम मिलकर आगे इस आंदोलन को बढ़ाएं। जो आंदोलन कभी रामप्रसाद बिस्मिल ने बढ़ाया था, जो आंदोलन कभी अशफाकुल्ला खां ने बढ़ाया था, आज उसी आंदोलन को अपने हिंदू और मुस्लिम भाई को एक साथ मिलकर आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। उनको फांसी की सजा हुई, उनका एक ही लक्ष्य था कि भारत का पैसा भारत में रहना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भारत का पैसा भारत में रहना चाहिए या विदेश जाना चाहिए? बस इस एक आंदोलन के लिए जिसके लिए कभी रामप्रसाद बिस्मिल ने अपने जीवन की आहुति दी थी, आज श्रद्धे स्वामी जी महाराज उसको स्वर दे रहे हैं और हम सबके हाथों से स्वदेशी का कार्य करवाकर हमें भी राष्ट्रभक्ति का कार्य करवा रहे हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हम केवल मात्र यहां पर पतंजलि उत्पादों का अंतिम व्यक्ति तक उत्पाद पहुंचाने का काम नहीं कर रहे, भारत के नवनिर्माण का, भारत के को आर्थिक रूप से आजाद बनाने का काम भी कर रहे हैं।